तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। एक भाई का कमेंट आया था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पर उस भाई ने बताया हुआ कि भाई आप कौन से, आप मतलब क्या क्या मॉर्निंग यूज़ करते हो भाई, मतलब क्या क्या मॉर्निंग क्या मोड यूज़ करते हो। मैंने कहा था, उसको रिप्लाई किया कि मैं पक्का वीडियो जो है इसके लेके आऊँगा। तो आज इसी के टॉपिक के ऊपर जो है हम जो है आज बात करने वाले हैं कि मैं कौन से मोड्स यूज़ करता हूँ, और जो है स्कॉर्पियो, रूबिकॉन, ये सब मैं जो है कैसे डालता हूँ, सारी गाड़ियाँ में जो है कैसे डालता हूँ। आज हम जो है इसी टॉपिक के ऊपर जो है फ्रेंड्स बात करने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये है हमारा GTA 5 की मेन डायरेक्टरी, जिसके अंदर जो है हमारी गेम जो है इंस्टॉल है, GTA 5 की मेन डायरेक्टरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ऊपर जो है मोड्स का जो है फोल्डर जो है मैंने क्रिएट कर रखा है। हमें बेसिकली कुछ नहीं करना, हमको यहाँ पे जो है राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, फोल्डर में जाना है, और यहाँ पे जो है मोड्स नाम का जो फोल्डर है उसको बना लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जो मैं डिलीट कर लेता हूँ, मैंने पहले जो है पहले से जो है उसको बना रखा है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो है मोड्स का जो है फोल्डर जो है बना हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कई चीज़ें दिखाएगा, अपडेट और X64 और ये कुछ फाइल दिखाएंगे। इसका जो है मैं बताऊँगा अभी आप सबको। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसको और इसको कॉपी करना है, अपडेट और X64 को उठा के इसमें जो है मोड्स में पेस्ट करने के पेस्ट जो है कर देना। देखो अब यहाँ पर आपको सबूत दिखा देता हूँ, अपडेट में जाओगे ये सब दिखा रहा है। ठीक है, X64 अपडेट RPF DLC पैसे। ठीक है, और अगर X64 में जाओगे तो ये सब दिखाएगा। ठीक है, मोड्स में गए, अपडेट वो सब दिखा रहा है, DLC पैसे भी आ रहा है। ठीक है, और अगर हम X64 में जाएंगे तो वो सब आ रहा है। ये तो इसका जो है इतना X64 कहते हैं जो है रोल नहीं है, लेकिन डालना पड़ता है कि जो है मोडिंग होती है। दूसरी बात ये CEI, मैं बता देता हूँ क्या 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 जो आपको डालना है। GTA 5 में जाएंगे, GTA 5 में जाएंगे, आ गया EIWNC, कॉपी करके कुछ नहीं करना, मोड्स में जाना है एंड देन पेस्ट। ये आपका जो है मोड्स का फोल्डर बन के जो है तैयार हो चुका है। जब आप फिर आप जाएंगे, जब आपको जो है कार्स व्हीकल्स जो है रियल लाइफ की व्हीकल जैसे कि मर्सिडीज जो आपको ये सब इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये सब बनाना पड़ता है। उसके बाद जाएंगे उसमें अपडेट में X64 DLC पैक, और यहाँ पे जो है उनका जो है फोल्डर पेश कर देंगे। अभी कुछ मत करना, मैं आपको अगली वीडियो में जो समझाऊँगा खाली कैसे बनाना है। कभी आपकी गेम जो है क्रैश हो जाए फिर आप मुझे कहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खाली मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो है आपको पता ही, एक भाई ने कमेंट किया था, अभी जो है खाली मैं बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे ना तो इसको लाइक करना। 200 टारगेट है, मैं पहले कभी नहीं देता, लेकिन आज जो मैं टारगेट दे रहा हूँ इसका 200 टारगेट रहेगा 50 लाइक्स का। आई होप जो है आप कम्प्लीट करवा दोगे, और हम जो है 100 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। तो प्लीज़ 100 सब्सक्राइबर्स जो है पूरे करवा दीजिए, फिर जो है उसके बाद पक्का वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे कैसे जो है इंस्टॉल करना है, जो जो अपने नए नए भाई हैं जिनको भी नहीं पता। ये करने के बाद फाइनली हमारा जो है मोड्स का फोल्डर तैयार हो जाएगा, फिर हम चलते हैं कि हमें मोड्स इंस्टॉल करता कहाँ से। दोस्तों मैं आ चुका हूँ GTA 5 की एक मेन एप्लीकेशन पे, जहाँ पे GTA 5 के सारे मोड्स होते हैं। फर्स्ट जितने भी जो लिंक खोले हुए हैं, इन सबका जो है लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा, आप जाके फटाफट जो है चेकआउट कर लेना। आपको पता होगा फर्स्ट आते हैं अपना मैनुअल ट्रांसमिशन स्टेयरिंग व्हील, जो मैं इसको यूज़ करता हूँ। दोस्तों मेरे पास देखो स्टेयरिंग व्हील है, जिस चीज़ के पास भी जो है स्टेयरिंग व्हील है तो वो सोचते होंगे यार ले तो आए, अब चला रहे तो भाई फीलिंग तो आई नहीं रही यार, जैसे कीबोर्ड में हम WASD प्रेस करते हैं ऐसे चलती है, वैसे चल रही है तो कुछ फ़ायदे तो देखो हो नहीं रहा। तो जो है GTA वालों ने जो है इसका हल निकाल दिया है, उन्होंने एक मोड निकाला दोस्तों मैनुअल ट्रांसमिशन स्टेयरिंग व्हील। इसको इंस्टॉल कर लोगे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर। इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो लेके आऊँगा अगली वीडियो में। दोस्तों फर्स्ट सेकंड आता है दोस्तों मैं कौन सा ग्राफिक मोड इस्तेमाल करता हूँ। कई लोगों ने देखा होगा कि मतलब जो जो लोग
ग्राफिक मोड को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रिडक्स का हो गया, जैसे कि उन्होंने इंस्टॉल तो कर लिया, किसी किसी का जो है गेम क्रैश हो जाता है, तो वो कहते हैं भाई सारी मेहनत बकवास, अब क्या करें भाई, वो बेचारे तंग ओके करते हैं उसको अनइंस्टॉल, मतलब हाफ इंस्टॉल, तो जो है प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है। पर लेकिन जीटी ने इसका भी हल निकाल दिया है, जीटी ने निकाला दोस्तों क्वांट वी 2.1.4 वर्जन जो है बहुत बेस्ट ग्राफिक मोड है, मतलब रियलाइज जैसे लगता है कि मतलब अगर इसको इंस्टॉल कर लोगे ना, मैं पक्का गारंटी लेके कह रहा हूँ ना, आपकी गेम क्रैश होएगी, ठीक है ना, आपकी गेम क्रैश होएगी और आपको जो है फील भी आएगा कि हाँ भाई ग्राफिक बोर्ड, तो जो ग्राफिक है बहुत ज़बरदस्त ग्राफिक मॉडल बताया भाई ने दोस्तों। उसके बाद आता है मेन, हमको जो है ये मतलब कि उसके बाद जो है मेन आता है कि हमको जो है जितने भी जो मोड्स हैं अगर जब डालेंगे तो भाई गेम क्रैश होए ना हो, अगर देखो जो अगर ये आप मोड्स डाल रहे हो GTA 5 में, अगर आपकी गेम क्रैश हुई तो उसका रीज़न होएगा कि आपने इन तीनों को जो है इन दोनों को जो है इंस्टॉल नहीं किया, किसके अंदर, GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में। अगर आप इन दोनों को जो है अगर आप इसको कम्युनिटी स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट और स्क्रिप्ट हुक वी प्लस नेटिव ट्रेनर को अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो आपकी जो है गेम क्रैश नहीं होएगी, ये पक्का लिखा कह रहा हूँ। इन 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 सब का भी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आगे बताने बता रहा, इन सब की इंस्टॉलेशन का जो है वीडियो मैं पक्का लेके आऊँगा, अगर आप सब मैंने जो है 50 लाइक्स करवा देंगे और 100 100 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट करवा देंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप आता है OpenIV। आप सबने देखा होगा जब हम गाड़ी डाल रहे हैं, भर भर की गाड़ी डाल रहे हैं, तो भाई ऐसे तो मान लो हमने फोल्डर उठाया डाल दिया, चलते हैं गेम में, वो देखते हैं गाड़ी तो आई नहीं, क्यों नहीं आई भाई, फोल्डर डालने से गाड़ी नहीं आएगी जब तक आप उसकी जो होती है मेन फाइल HTML वाली, जब तक उसको कहीं पेश नहीं करोगे, तो क्योंकि सारा खेल जो है दोस्तों उसी के अंदर होता है, सॉरी, क्योंकि दोस्तों सारा खेल दोस्तों उसी के अंदर होता है। अगर आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो अगर और मतलब जो मोड्स होते हैं गाड़ी के उस पर जाके जब उसमें लिखा होता है HTML, उसको पेश करना होता है OpenIV में, जब भी जो है आपकी जो है सारी गाड़ियाँ उसके अंदर आएगी, इसका भी इंस्टॉलेशन का वीडियो में जो मैं लेके आऊँगा दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों हमारा गेम कॉन्फिग का फॉर लिमिटेड व्हीकल्स दोस्तों। ये GTA वालों ने इसलिए बनाया है कि हम लोग होते हैं कि हम लोग ना मतलब एक्साइटेड होके और ओवर एक्साइटेड होके जो भर भर के जो है गाड़ी डाल देते हैं और देखते हैं कि भैया ये तो क्या हो गया भाई, हमने ये गाड़ी डाली मतलब इतनी गाड़ी डालने के लास्ट गाड़ी डालने के जा रहे हैं, देखा तो भैया गेम क्रैश। तो उसका भी जो हल निकाल दिया है GTA 5 लेके आए हैं गेम कंपनी के फॉर लिमिटेड व्हीकल्स, इस मोड को इंस्टॉल करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कितनी व्हीकल डालनी है डाल लो, पर लेकिन इसके साथ साथ आपको जो है दो मोड और इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सेकेंड है कि हिप एडजस्टर, इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, और थर्ड है हिप लिमिट एडजस्टर, इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आपकी जो है गेम क्रैश नहीं होगी और सारी गाड़ियाँ आएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था अपना मेन टॉपिक जो मैंने आप सबको जो है क्लियर कर दिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी पूरे इंस्टॉलेशन की जो वीडियो है लेके आऊँ तो प्लीज़ सपोर्ट करिए मेरे को, जो है लाइक कर दीजिए, 50 मैंने जो है 50 50 लाइक्स का जो है टारगेट ही मांगा है, बहुत कम है मुझे पता है, आप सब करवा दोगे क्योंकि हम 50 सब्सक्राइबर जो है पार कर चुके हैं, तो आई होप इजिली हो जाएंगे, या पता ज़्यादा हो जाए कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा टारगेट दोस्तों 50 50 लाइक्स का, आई होप जो है कम्प्लीट करवा दोगे और हम जो है 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज हैं, तो प्लीज़ कम्प्लीट करवा देना। और फ्रेंड जैसे कि आपने देखा होगा जो उस भाई ने कमेंट किया था, उस भाई ने कहा था कि भाई आप स्टोरी भी कैसे बनाते हो। फ्रेंड ये स्टोरी बनाने से पहले जो है ये जो मैंने आप सबको ये चीज़ें बताई हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फटाफट स्टोरी बनाने से पहले आप पहले ये सब कर लेना, उसके बाद जब स्टोरी बनाने का टाइम आएगा तो पक्का बताऊंगा। पहले जैसे कि आप सब जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या जो करना होता है, जब ये जो है कम्प्लीट करा दोगे तो मैं इसका जो है सारा इंस्टॉलेशन बताऊंगा। इंस्टॉलेशन के बाद हम जो है GTA में जाएंगे, GTA के ऊपर बनाएंगे कि मैं स्टोरी बनाता कैसे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर, और हाँ GTA 5 की जो वीडियो आने वाली है ना वो पक्का आएगी, आई एम श्योर वो पक्का आने वाली है, जो मैंने कहा था वो फ्लोडिंग करेंगे, फ्लोडिंग और वो रूबीगोन की, और जिसने अभी तक जो है मैंने उसमें जो है रूबीगोन खरीदी है, डायमंड किसी ने खरीदा था, उसकी वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है दे दूंगा, जाके देख लेना, बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई नई टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय श्री राम। Listen!